मैग्नेटाइजेशन का फंडामेंटल कॉज क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, स्पिन करता है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन होता है. ओके, इलेक्ट्रॉन से ही एटम बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल मटेरियल बनता है. दैट मीन्स एवरी मटेरियल हैज गॉट मैग्नेटाइजेशन. किसी में हमको विजिबल होता है और किसी में विजिबल नहीं होता है. कोई दिखाता है और कोई नहीं दिखाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे शो. इसलिए ये जरूरी है कि मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड जितनी क्वांटिटीज हैं, हम उन सब को फिजिकली डिफाइन करें और उसको हम समझें. वी शुड अंडरस्टैंड द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्वड इन मैग्नेटाइजेशन. ओके, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द वर्ड्स, क्योंकि हम हर वर्ड के सामने मैग्नेट लगाने वाले हैं. तो इसमें आपको ये याद नहीं रहेगा कि कौन सा वर्ड किसको एक्सप्लेन कर रहा है. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट, व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग इन ए कॉइल, देयर इज इक्विवेलेंट टू ए इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट एंड द प्रॉपर्टी इट हैज इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ये हम लोग पिछले टॉपिक में कैलकुलेट कर चुके हैं. सो आई विल नॉट राइट इट अगेन, बट वी नो देयर इज सर्टेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज बिलोंगिंग टू एन एटम, बिकॉज एटम इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये मैग्नेटिक डायपोल जो बनता है, अब इन एटम्स को हमने इकट्ठा करके मटेरियल बनाया, उस मैटर का कुछ वॉल्यूम है. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या हुआ? आंसर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएटेड बाय ईच एटम विल बी एडेड अप बिकॉज इट्स ए ग्रेटर क्वांटिटी. सभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सब एटम्स के हमने आपस में ऐड कर लिए, जितने इसमें हैं वो सब वेक्टोरियली ऐड हो जाएंगे. अगर एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा भी इस डायरेक्शन में है, तो हमको मालूम है दोनों प्लस होंगे, और अगर ऐसे हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और अगर ऐसे हैं तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर स्क्वायर रूट. इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स मेड बाय ऑल द आइटम्स आर एडेड अप टुगेदर एंड देन व्हाट डज दैट गिव अस? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सैंपल. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन सैंपल विच वी विल कॉल मैग्नेटिक डायपोल नेट. क्या नाम रखा? मैग्नेटिक डायपोल नेट, जो कि इस पूरे मटेरियल का है. दो मटेरियल को मैं कंपेयर करना चाहता हूं. वन मटेरियल इज दिस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका बताओ और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका बताओ. नाउ इफ आई से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस थिंग इज 10 एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस थिंग इज 20, देन विच इज मोर मैग्नेटिक? तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये इतना बड़ा है, इतने बड़े ने कुल मिलाकर कितना मैग्नेटिक डायपोल बनाया? 20. ये इतना छोटा सा है और इस छोटे से ने ही कितना बना लिया? 10. तो कौन ज्यादा मैग्नेटिक हुआ? यस, क्योंकि इतने छोटे से में ही इसने 10 बना लिया. तो ये मेरा नापने का तरीका गलत हो गया. सो आई शुड इन्वेंट सम अदर टर्म. दूसरी टर्म मैंने क्या निकाली? जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि कॉटन भारी होता है कि आयरन भारी होता है, यू विल से आयरन भारी होता है. ठीक है, नाउ आई टेल यू, 1 किलोग्राम ऑफ आयरन एंड 5 किलोग्राम ऑफ कॉटन. रुई हमने ली 5 किलोग्राम और आयरन हमने लिया 1 किलोग्राम, विच इज हैवियर ऑफ द टू? ऑब्वियसली 5 किलोग्राम इज हैवियर देन 1 किलोग्राम. लेकिन वो क्या है? कॉटन. तो यू जस्ट सेड कि आयरन ज्यादा भारी होता है.
तो ये हमारे कैलकुलेशन के मेथड पर डिपेंड करता है, दोनों में हम गलती क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग देम एट पार, दोनों का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए था एक समान। अगर दोनों का वॉल्यूम एक जैसा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। सो व्हाट वी शुड हैव मेजर्ड, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब कंपेयर कर लो, एंड व्हाट इज दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी। तो हमें क्या कंपेयर करना चाहिए, डेंसिटी। इसी तरह से जब मैं कहता हूं इसका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक डायपोल 10 है और इसका मैग्नेटिक डायपोल 20 है, विच इज मोर मैग्नेटिक इन नेचर, देन वी से इट्स नो कंपैरिजन। व्हाई वी शुड फाइंड आउट फॉर द बोथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कैलकुलेट। फॉर दिस कैलकुलेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, देन यू कंपेयर द टू। उससे हमको क्या पता लगेगा कि कौन सी चीज ज्यादा मैग्नेटाइज्ड है, ज्यादा क्या है, मैग्नेटाइज्ड। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किसका, मैग्नेटाइजेशन, बोलिए। सो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, एंड नाउ वी विल राइट इट। अब इसके जो साइन होते हैं वो फिर से वही प्रॉब्लम होगा इसमें कि साइन इसके स्टैंडर्ड नहीं है। एम शब्द को हम बहुत, एम लेटर को बहुत तरीके से अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स में यूज करते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट यू थिंक। वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी यूजेस, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से जो हम मेजर कर रहे हैं दैट थिंग इज मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन के लिए इन्होंने यूज किया है लेटर कैपिटल एम। दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन सैंपल, पर यूनिट वॉल्यूम। सो वट एवर इज इट्स वॉल्यूम वी विल डिवाइड इट विद दैट वॉल्यूम, सो वट डू वी गेट इट, पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सैंपल, इसको मैं लिखता हूं एम, नेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन मैग्नेटाइजेशन। सो इज इट क्लियर टू यू, किसी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कम है, किसी का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हर एक के पास है। नाउ वी गो फॉर अनदर थिंग। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रही है, हमने सोलेनोइड लिया, मैग्नेटाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल, बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट कौन है, सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो हमने एक करंट कैरिंग सोलेनोइड लिया और उसमें आई करंट फ्लो कराई, मैग्नेटिक फील्ड कितना बना। सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन, आई करंट फ्लो कराई है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आई बना, वेरी सिंपल, ओके। हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। देखिए बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हैं अलग अलग तरह के, आई करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड भी हमने मान लिया कितना बनता है, आई। ये आई बनकर जैसे ही बाहर आएगा, सॉरी आई बना एक तार में से, लेकिन सोलेनोइड के पर यूनिट लेंथ में एन वायर है, तो वो कितने मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एन टाइम्स वाई, सो एन आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए सोलेनोइड, ओके। अब ये जो एन आई उसने बनाया, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग
फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसमें जो आपको चीज याद रखनी है वो है ये मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग मींस मैग्नेटाइज करने वाला, जो मैग्नेटाइज करने के लिए फोर्स लगाएगा उसे, उसका मेजरमेंट क्या है, N इंटू आई। सिंगल स्ट्रिंग होने से I, दो होने से 2I, N होने से Ni पर मीटर। ये जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका हमने नाम रख दिया H। सो H इज यूज्ड फॉर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो आसपास के एरिया को मैग्नेटाइज करता है। मैग्नेटाइज का बेस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट कितनी है आई, एन टर्म्स में करंट कितनी है एन आई। इसलिए एन आई क्या है, वो वाला फोर्स जो कि पूरे एरिया को क्या कर देगा, मैग्नेटाइज। देयरफॉर इट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जैसे ही ये वाला मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में इस वायर से निकल के यहां तक आया, यहां इसके बीच में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे ही ये वायर से निकल के बाहर आता है तो जो मीडियम इसको मिलता है वो मीडियम इसको काट के छोटा कर देता है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है मीडियम की, क्या कहलाती है, परमिएबिलिटी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको वो परमिएबल, काट के छोटा कर देता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट, दैट इज 4π × 10⁻⁷ टाइम्स वो उसको डिक्रीज कर देता है। किसको, ये जो करंट ने बनाया। तो हमको, हम यहां पर देखने के लिए गए, नापने के लिए गए, तो हमको यहां पर ये इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमको ये समझ में आता है कि इसके अंदर इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, एन आई। यहां पर वो क्या है, एच। जैसे ही हम जाते हैं और यहां पर इसको नापते हैं, ये बीच में कौन आ गया, मीडियम। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा उसको हम कहेंगे बी, बी मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना होगा, तो आंसर है कि यहां पर परमिएबिलिटी म्यू नॉट एप्लीकेबल हो गई है मीडियम की, क्योंकि इसको मीडियम में से आना है तो मीडियम उसको काट के छोटा कर देता है, कितना, म्यू नॉट टाइम्स। तो अब ये कितना बच गया, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन आई। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 4π × 10⁻⁷। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका हमने नाम दिया बी नॉट। नॉट मींस फॉर फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखता है, हम मेजर करते हैं, हमको मिलता है। समझ में आया, फिर से बी नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इन द स्पेस, ये बना। ओके, अब उसके बाद अगली क्वांटिटी देखिए, एन आई एच। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइज करने वाला। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो बना। जैसे मैंने यहां से भेजा मैग्नेटिक फील्ड 1000, उसको मीडियम ने काट के कर दिया 100, तो हमको यहां पर कितना मिलेगा, 100, वो 10 टाइम्स उसको कम कर देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1000 को मैग्नेटाइजिंग, और हुआ कितना, 100, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमको जो दिखता है वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड से म्यू नॉट टाइम्स लेस हो जाता है, दिस इज परमिएबिलिटी। ओके, अब इसके बाद हम अगली चीज पर आते हैं। ये फ्री स्पेस है सोलेनॉइड के अंदर जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ।
अब हमने क्या किया, इस सोलेनॉइड के अंदर एक दूसरा मटेरियल जो कि फ्री स्पेस नहीं है उसको डाल दिया, दैट इज ए मटेरियल। वो मटेरियल जब हमने उसमें डाला तो उसमें भी एक मैग्नेटाइजेशन पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल में होता है। कहां होता है ये? हर मटेरियल के पास अपना क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन। उसके पास अपना क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण बना हुआ है। उसके अंदर जब हम एक मटेरियल को ऐसा कोर को डाल देंगे तो वो मटेरियल अपना इफेक्ट भी बनाएगा, या तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर देगा या कम कर देगा, पर कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उसका इफेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। उसका इफेक्ट इसमें ऐड होके एक नई टर्म हमको मिलती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विथ मटेरियल। पहले क्या था? मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस बी नॉट, बी नॉट वॉज इक्वल टू म्यू नॉट एच और म्यू नॉट एन आई। अब हमने उसमें मटेरियल डाला, उसमें मटेरियल डालने से उसका मैग्नेटिक फील्ड और बना। एक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोपोर्शनेट टू एम। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल बी एम। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एम। सिंपल, एम इज व्हाट? मैग्नेटाइजेशन। जिस मटेरियल में जितना मैग्नेटाइजेशन होता है वो बाहर जैसे ही निकलेगा, उसको परमिएबिलिटी मीडियम के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बच जाएगा? म्यू नॉट इनटू एम। कोई भी चीज मीडियम में गई उसके मैग्नेटिक ताकत को, मैग्नेटिक फील्ड को काट दिया जाएगा मीडियम के द्वारा, और मीडियम उसको कितना छोटा कर देगा? म्यू नॉट टाइम्स। तो एम किसने पैदा किया था? मटेरियल ने। इसका मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बाहर निकला ये कम कितना हो गया? म्यू नॉट। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमको नजर आया जो कि वो मटेरियल बना रहा है। ये तो एक मटेरियल के अपने मैग्नेटाइजेशन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? बी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, बी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल कितना बना? म्यू नॉट इनटू एम। अब हमने एक सोलेनॉइड में इसको मटेरियल को डाला तो सोलेनॉइड के अंदर दो एजेंट इकट्ठे हो गए मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले। वन इज मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट एंड वन इज मेकिंग ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल। जिसने इलेक्ट्रिक करंट के कारण बनाया वो ये है, और जिसने मटेरियल के कारण बनाया वो ये है। सो इफ ए मटेरियल इज इंसर्टेड इन सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज बी। उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना बी, ये किस किस का सम होगा? बी नॉट फ्री स्पेस प्लस बी ड्यू टू मटेरियल। म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, म्यू नॉट को कॉमन निकाल देंगे, एच प्लस एम। अब इसमें से हम किसी भी एक के लिए दूसरा टर्म बना सकते हैं। सपोज इफ आई आस्क यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इसमें कौन है? पहचानिए एच। मैग्नेटाइजेशन कौन है? कैपिटल एम। इन दोनों का रिलेशन हमको निकालना है। रिलेशंस मींस वी हैव टू राइट हियर इक्वल, यहां एच आना चाहिए और यहां एम आना चाहिए। तो इससे बना लेते हैं,
ये म्यू नॉट को इधर ले आइए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनसाइड ए सोलेनोइड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस एम मैग्नेटाइजेशन. एनीवे एनी वन फंडामेंटल रिलेशन यू कैन फाइंड आउट रिलेशन विद द एनी टू क्वांटिटीज. ओके, अब उसके बाद अगला रिलेशन देखते हैं. ओके, तो अब आपने फिर से दो तीन चीजें याद की. नंबर वन, दो सेक्शन अलग अलग देखिए. एक सेक्शन सिर्फ मटेरियल, हर मटेरियल के पास अपना मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, और वो कितना होता है. मैग्नेटाइजेशन मींस क्या, इसका मीनिंग क्या है. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो उसके अंदर इकट्ठा होता है, पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन. अदरवाइज इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड इट इज ड्यू टू द फंडामेंटल एटम्स. और एटम्स में किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण है. इलेक्ट्रॉन्स के पास दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, ऑर्बिटल एंड, वेरी गुड, ये दो तरह के उनके पास रहेंगे. एक को दूसरे को क्या बोलते हैं आपने, स्पिन के कारण, या दैट इज स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और वही उसका क्या होता है, ओरिजिनल वन. ओके, अच्छा, अब हम एक दूसरी चीज पर आते हैं, वो ये है मैग्नेटाइजेशन डेवलप्ड. मैग्नेटाइजेशन, हाँ, ये यहां खत्म करते हैं. अभी तक दो चीजें आपने पढ़नी है, ये किसके बारे में है, मटेरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन. ये अब हमने क्या पढ़ा है, दूसरा एच बी बी नॉट प्लस एम, इन सब का आपस में रिलेशन. मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इन द स्पेस, फ्री स्पेस, रिलेशन बिटवीन द टू, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एज वेल एज मटेरियल, दोनों मिलाकर इतना बनता है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने तीनों को पढ़ लिया और एक ये पढ़ लिया. अब अगली चीज, अगली चीज हम एक रिलेशन पढ़ना चाहते हैं कि जब हम किसी मटेरियल में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, यानी हम उसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो वो कितना मैग्नेट बनता है, कैसे बनाते हैं मैग्नेट. वन वेरी सिंपल एग्जांपल इज दैट यू टेक वन मैग्नेट, दिस इज आयरन पीस एंड रब इट. नॉर्थ विल गो हियर एंड दिस विल फुल्ली गो लाइक दिस, और लास्ट में जाके ये इसको ऐसे छोड़ेगा. जब ये साउथ इसको ऐसे छोड़ेगा तो ये धीरे से क्या बन जाएगा, नॉर्थ. ये क्या बनना चाहिए, साउथ. ये नॉर्थ फिर जाएगा और फिर हम ऐसे खींचेंगे, ये नॉर्थ इसको खींचेगा, साउथ को, और फिर हमने ऐसा रब किया और यहां से इसको छोड़ा, तो इधर कौन आ जाएगा, नॉर्थ. इधर कौन आ गए, साउथ. इस तरह से बार बार ऐसा रब करने से ये थोड़ी देर में मैग्नेट बन जाएगा. अब इसमें मैथमेटिकली देखिए क्या हो रहा है. इसके पास अपनी एक स्ट्रेंथ है 1000, ये हर बार इसको ऐसा रब करता है, इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है, ये भी मैग्नेट बनता है, पर ये कभी भी 1000 नहीं बन पाता, इसके बराबर इसकी स्ट्रेंथ नहीं आती. इसकी स्ट्रेंथ आई 100 प्लस, कितने परसेंट, 10%. ठीक, अब हमने क्या किया, ये दूसरा लेकर आए और दूसरा सैंपल लेके आए, इसको मैग्नेट बनाया, ऐसे इसको बनाया, देखा इसकी स्ट्रेंथ आ गई 200. तो ये 10% मैग्नेटाइज हुआ था, ये 20% मैग्नेटाइज हुआ. हर मटेरियल को हम लाकर देखते गए,
कोई 70% हो जाता है, कोई 40% होता है, कोई 10% होता है। तो हमने ना ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि कोई कम मैग्नेटाइज होगा और कोई ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, इसके लिए हमने एक नाम रखा इस कैरेक्टरिस्टिक का। इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है, इस गुण का नाम है ससेप्टिबिलिटी। क्या नाम है? ससेप्टिबिलिटी। इट इज अ वेरी जनरल टर्म। इंग्लिश में हम लोग ससेप्टिबल वर्ड बहुत यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इफ यू गो आउट, यू टू पर्सन्स गो आउट इन द कोल्ड, द वन विल कैच द कोल्ड वेरी सून। दूसरे को ठंड नहीं लगेगी, एक को ठंड लग जाएगी, ज्यादा जुकाम लग गया। क्यों? ही इज ससेप्टिबल टू कोल्ड, यानी वो कोल्ड को जल्दी पकड़ लेता है। अलग अलग बॉडी है, हो सकता है। वैसे ही हमने क्या देखा, इसको मैग्नेटाइज किया 10%, इसको किया तो 20%, इसको सोलेनाइड के अंदर रखा, बाहर निकाला, 10% मैग्नेटिक रख, 20% मैग्नेटाइजेशन। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज मोर ससेप्टिबल टू मैग्नेटाइजेशन। ससेप्टिबिलिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक? व्हेन एक्सटर्नल, ध्यान से सुनिए, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए मटेरियल, इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। हाउ मच मैग्नेटाइजेशन टेक्स प्लेस शोज इट्स ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। एंड देयर इज रिलेशन बिटवीन द टू। क्या रिलेशन है? कि हमने उस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया एच, और उस एच के कारण उसमें मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ एम। लगाया कितना था हमने? एच। उसमें बना कितना? एम। सो दिस रेशियो गिव्स ससेप्टिबिलिटी। और चूंकि ये मैग्नेट में हो रहा है, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिक में होता तो क्या कहते? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और ये हर एक में आता है ये वर्ड। दिस इज अ कॉमन वर्ड इन फिजिक्स, दैट यू अप्लाई वन फील्ड, ड्यू टू दैट इफेक्ट द फील्ड इज डेवलप इन द अदर मटेरियल। दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। This is susceptibility. Susceptibility is only a ratio. Why ratio? Because these two are having the same units, same dimensions. Okay. So this is susceptibility. देखिए, magnetic field in a material. ये यहाँ पर magnetic field in a material is mu naught H due to current, M due to material. So B is equal to mu naught H plus M. What is B? Magnetic field, what we observe inside a solenoid, wherever material is lying there. So now B is equal to mu naught H plus M. H ki jagah main kya likh sakta hu? This is H plus M. M ki jagah kya likh sakte hain? Oh, iska symbol, this is a symbol of psi. ठीक है, this is pronounced as psi. Psi जरा difficult शब्द है, क्योंकि ये pronunciation हिंदी में होता नहीं है, English में भी नहीं होता है. Anyway, तो ये स से बना हुआ है, स, स और च के बीच में psi. Anyway, we are not much concerned with that. So this is susceptibility. Okay, B is equal to here mu naught H plus M. इस M को हम क्या लिख सकते हैं? Psi into H. So this will be mu naught H plus Psi H. It is from this equation.
अब देखिए, वी नो दैट ये एच किसके बराबर होता है, हाँ एच इज इक्वल टू एन आई, सो व्हाट वी कैन राइट इट एज म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बहुत जाना पहचाना है आपका, दैट इज बी नॉट, ओके उसको वैसा भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू वन प्लस साई म्यू नॉट एन आई, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। फिर से वी ऑल्सो नो दैट इफ देयर इज ए मटेरियल इन द सोलेनॉइड देन इट्स मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई। ये व्हाट इज दिस म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या आपने ये पहले किया, नहीं किया है, कर लीजिए। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, यह आपने पहले सब से शुरू में परमिटिविटी के लिए किया था, जो परमिटिविटी के लिए था वही परमिएबिलिटी के लिए है, दैट म्यू फॉर एनी मटेरियल, म्यू फॉर फ्री स्पेस इज म्यू आर, सो दिस इज रेशियो, म्यू मटेरियल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ओके अब यहां देखिए, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू एम, व्हाट इज एम स्टैंड फॉर, मटेरियल, परमिएबिलिटी फॉर मटेरियल, ओके सो दिस इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट, वी कैन राइट इट एज म्यू एम परमिएबिलिटी फॉर मटेरियल इंटू एन आई, वी कैन राइट इट एन आई, वी कैन राइट इट एज वट एवर यू लाइक, दिस इज बी फॉर मटेरियल। ये हम लोगों को मालूम है और ये हमने अभी अभी डिराइव किया है, किसके टर्म्स में, ससेप्टिबिलिटी। इधर ध्यान दीजिए, ससेप्टिबिलिटी की भाषा में बी किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू एच। बिना ससेप्टिबिलिटी की भाषा में, रिलेटिव परमिएबिलिटी की भाषा में बी किसके बराबर होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। तो ये वन प्लस साई किसके बराबर हुआ, यस दैट्स ऑल। देखो इसकी जगह में क्या आ गया, सिंपल, ठीक है ना, एन आई, तो आप एन आई लिखिए या एच लिखिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की, मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस इज म्यू नॉट एन आई। सॉलिडॉइड के अंदर हमने मटेरियल डाला, उसकी परमिएबिलिटी बदल के हो गई म्यू फॉर मटेरियल, नाउ मैग्नेटिक फील्ड बी फॉर मटेरियल इज म्यू एस एन आई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो मैग्नेटिक फील्ड विद मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस, दिस इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ये जो टर्म आती है म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, दिस इज कंपेरिजन ऑफ टू परमिएबिलिटीज, इसका नाम हमने क्या रखा, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर हुई, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। इससे हमने बनाया म्यू फॉर मटेरियल कितना होना चाहिए, म्यू फॉर मटेरियल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये म्यू फॉर मटेरियल, ये म्यू फॉर मटेरियल की वैल्यू अगर आप यहां रखेंगे तो बी इन मटेरियल
मीडियम कितना हो जाएगा, बी इन मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट एंड इंटू पाई। ये अगर आपने पहले स्टडी नहीं किया इसको याद कर लीजिए, दिस इज बी व्हेन देयर इज ए मटेरियल, इफ देयर इज ए फ्री स्पेस तो फ्री स्पेस के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। फॉर फ्री स्पेस म्यू आर इज 1, सो ये कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर ये फ्री स्पेस है तो ये फ्री स्पेस है, अगर मटेरियल है तो एक म्यू आर और लग जाएगा, म्यू नॉट एन आई वैसा ही रहेगा। द सेम थिंग यू हैव स्टडीड इन परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब यहां पर फिर आ जाइए वापस ससेप्टिबिलिटी। ओके, इधर देखिए एम अपॉन एच इज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड बी इसके बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, यहाँ एम की वैल्यू हमने रखी, एम की वैल्यू कितनी रखी, यहाँ से साइन इंटू एच, ये साइन इंटू एच एम की वैल्यू रखी, ये तो ये आ गया साइन इंटू एच, एच कॉमन निकला, B is equal to mu naught H plus M. यहाँ M की वैल्यू साइन नॉट एच, एच कॉमन निकाला और H होता क्या है एम आई, हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है हम 1 प्लस साइन और परमिएबिलिटी इनका आपस में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो एक इक्वेशन हमने बनाया B is equal to 1 plus psi mu naught n i, और एक इक्वेशन हम पहले से जानते हैं, वो पहला वाला इक्वेशन हमको क्या बताता है, B is the material, material क्योंकि हमने material जोड़ दिया है, और ये B material का बना। अब ऑलरेडी हमारा नॉलेज क्या है ये, और ये हमको क्या बताता है, B is the material is mu r mu naught n i, mu r mu naught n i, इन दोनों को कंपेयर करिए, सेम सेम, सो 1 प्लस साइन किसके बराबर हुआ, mu r के बराबर हुआ, समझ में आया, ये रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया। इसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रूव दैट 1 प्लस साइन इक्वल टू mu r, अदरवाइज वैल्यू वाइज विच इज लार्जर म्यू आर और साई, आंसर म्यू आर बिकॉज वी एड 1 टू साई देन इट बिकम इक्वल टू म्यू आर, तो बड़ा कौन है म्यू आर। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ म्यू आर कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साई, यस म्यू आर में से माइनस 1 कर दीजिए, व्हाट डू वी गेट, साई। म्यू आर की वैल्यू आप देखिए, अगली चीज इंपॉर्टेंट, अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो साई की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, फिर से हियर साई इज इक्वल टू इफ म्यू आर पर मीडियम इज मोर देन 1 देन साई इज, if mu r is equal to 1 free space 0, if mu r is less than 1 psi is free, तो याद रखिए mu r more than 1 भी मिलता है, more than less than 1 भी मिलता है, 0 भी मिलता है, that means psi has got positive negative and 0 value, that is susceptibility. कैसे होता है,
नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग होता है। देखिए नेगेटिव साइन कैसे दिखता है, हमने क्या किया एक सॉलिनॉइड लिया और उस सॉलिनॉइड के अंदर एक मटेरियल लगा, सपोज इट इज कोबाल्ट निकल, ऐसा मटेरियल उसमें डाला और उसको करंट फ्लो कराई, मैग्नेटाइज किया, एच अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, फिर उसको निकाल के हमने देखा कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ओके, उसको निकाल के हमने रखा। अब इसके अंदर हमने कॉपर डाला, कॉपर डाल के फिर से करंट फ्लो कराई, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ और जब हमने इसको निकाल के देखा तो क्या देखा कि इसका नॉर्थ पोल इधर नहीं बना, इसका नॉर्थ पोल इधर बना, साउथ पोल इधर बना, मैग्नेटाइजेशन ऐसे डेवलप हुआ, एक्चुअली ऐसे और एक्चुअली ऐसे होता है। अब फिर से हमने इसको 100 दिया या 1000 Ni की वैल्यू दी एल्यूमिनियम में या कोबाल्ट में, क्रोमियम में, सपोज 100 डेवलप हुई, कॉपर हमने लगाया -100 डेवलप, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा होगा, जिसमें ऐसा होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, नेगेटिव, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और उसमें वो हमेशा अपोज करते हैं, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाएंगे उसको अपोज करने के लिए वो अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेंगे, ऐसे, सो दे आर नेगेटिवली ससेप्टिबल, दैट इज व्हाई वी से ससेप्टिबिलिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये तीन तरह से ससेप्टिबिलिटी हो सकती है। ओके, नाउ आफ्टर ससेप्टिबिलिटी इसका रिलेशन हमने देख लिया यू के साथ क्या होता है, अब दैट्स ऑल, वी विल राइट ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्यू थिंग्स एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, दिस मॉनिटर एनालाइजर, ये मटेरियल की लिस्ट है और ये है उसका ससेप्टिबिलिटी, we find there are many materials which has got negative susceptibility. What is meant by negative susceptibility? When applied magnetic field has one particular direction, the developed magnetization or the magnetic dipole moment which is developed in the material has got opposite direction. कौन सी दो चीजें हैं? Applied magnetic field H और developed magnetic field B. और सिंपली दी मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन से ही क्या होता है, बी बी इज व्हाट यू नॉट इनटू एम, जो बी एम डेवलप होता है, सो व्हेन वी अप्लाई एच इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बी एम डेवलप इन दी अपोजिट डायरेक्शन, देन द ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। कुछ मटेरियल ऐसा शो करते हैं, जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे दोनों मटेरियल्स का डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म को पसंद नहीं करते, हम ऐसा लगाते हैं वो उल्टा डेवलप होता है। ये वाले जो मटेरियल है ये सब की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, दैट मींस वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड द डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और ये सब कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक, पी ए आर ए, पैरामैग्नेटिक। ओके, so diamagnetic are those materials in which when the magnetic field is applied then they develop a magnetic dipole moment in the same direction of the, yes, that is paramagnetic, aur agar opposite direction mein ho gaya to, ye simple yaad rahega,
बोलने में कभी कभी लौट हो जाती है। सो रिमेंबर सेम डायरेक्शन में डेवलप होंगे तो पैरामैग्नेटिक और अप्लाइड और डेवलप उल्टे होंगे तो डायमैग्नेटिक। जिसमें उल्टा होगा उसमें ससेप्टिबिलिटी निगेटिव और जिसमें सीधा रहेगा उसमें ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव। ये हो गया ओके। ये होता है ससेप्टिबिलिटी। सो दीज आर द सर्टेन क्वालिटीज मैथमेटिकल क्वालिटीज वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। अब करता हूं देखिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराया कैसे करंट देकर सॉलिनॉइड, वो कौन है एच जो हम करवा रहे हैं। इसके अंदर हमने इसकी कोर में एक मटेरियल डाला हुआ है, इस मटेरियल में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो ये मटेरियल खुद पैदा करता है। मटेरियल कैसे पैदा कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर है अपने अंदर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अलाइन करके, घूम तो रहे हैं अलाइन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इस सब को क्या कर देगा सीधा सब एक डायरेक्शन में हो गया। तो ये जो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका सोर्स कौन है, उसके घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन अब वो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन इसके कारण है मटेरियल के अपने नेचर के कारण, अपने इलेक्ट्रॉन के कारण। हम जो ऊपर से लगा रहे हैं हमने क्या तरीका चुना है सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कराने का, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, वन अप्लाइड बाय अस विद करंट इट हैज अ डायरेक्शन, वन इन द मटेरियल डेवलप्ड बाय द मटेरियल इटसेल्फ बाय अलाइनिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में कैसी डायरेक्शन रखते हैं वो डिसाइड करता है कि प्लस या माइनस। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए, हमने ऐसे डेवलप किया एल्यूमिनियम के अंदर भी ऐसा बना, तो ससेप्टिबिलिटी प्लस एम डिवाइडेड बाय प्लस एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। लेकिन कॉपर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना और ये हमने अप्लाई किया तो एम बना नेगेटिव एच बना पॉजिटिव, तो एम अपॉन एच ससेप्टिबिलिटी क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव तो नेगेटिव क्यों हो गया, तो उसके लिए हमारा जवाब है कि वो उसका नेचर है। इसका नेचर है कॉपर का, इसका नेचर है कि जितने मटेरियल दिए हुए ये सब का नेचर है कि ये हमेशा उल्टा डेवलप करते हैं और कुछ मटेरियल हमने देखे दूसरी का डेवलप। तो यहां पर आकर ये हम ये बता सकते हैं कि इसको हम प्लस क्यों बोलते हैं माइनस क्यों बोलते हैं, लेकिन नेचर ने अपनी तरफ से दोनों ग्रुप बनाए कुछ माइनस बनाते हैं और कुछ प्लस बनाते हैं। ये समझ आ गया, दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक और चीज देखिए, सब की पावर कितनी है तो इसका ऑर्डर क्या होता है माइनस फाइव। इसका यूनिट बताइए क्या लिखता है कुछ यूनिट, क्यों क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड नो यूनिट नो डायमेंशन, इट्स ओनली है रेशियो, ससेप्टिबिलिटी इज ओनली है रेशियो। फिर भी इसको देखकर आपको पता लगेगा कि वीक ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है, थोड़ी सी पावर की थोड़ी सी वीक होती है। अगर इसको 10 मान लेंगे तो ये भी माइनस फाइव होगा, सिलिकॉन की भी थोड़ी वीक है, व्हाट अबाउट नाइट्रोजन उसकी भी अच्छी ठीक। अब इसमें गैस कौन है याद रखिएगा, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी वाली गैस का एक एग्जांपल बताइए व्हाट विल यू टेल, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी वाली गैस का एक एग्जांपल यस आपको याद रखना ठीक है, ये आपके काम आता है गैस का एक एक एग्जांपल है। ऑक्सीजन की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है पर बहुत वीक है, देखो माइनस सिक्स। स्ट्रॉन्ग किसकी है जिसका माइनस फोर होगा, माइनस फोर वाला कौन है यस क्रोमियम, आयरन के बाद सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल माना जाता है। एक ये है माइनस फोर, एक प्लेटिनम ये भी माइनस फोर है, ऑलमोस्ट दोनों की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव सेम ओके। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है और ये वाला डायमैग्नेटिक,
that identity which oppose, parent identity with support. ठीक है, ये दो याद रखना है। इसके बाद हमने ना मटीरियल को कैटेगराइज कर दिया, डायमैग्नेटिक मटीरियल, पैरामैग्नेटिक मटीरियल, दैट इज अपोज करने वाला, सपोर्ट करने वाला, और एक है स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करने वाला जिससे हम मैग्नेट बनाते हैं, दैट इज फेरोमैग्नेट, उससे मैग्नेट बनते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी द नेक्स्ट क्लास, कैटेगराइजेशन ऑफ मटीरियल। मैथमेटिकली अभी आपके जितने उसके कैलकुलेशंस थे ये थोड़े थोड़े समझ लिए, राइट। फिर से एक मटेरियल के कारण उसके अंदर अपना मैग्नेटाइजेशन होता है, वो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप, और ये किसके कारण डेवलप होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक में है, फिर ये हर एक में एक जैसा क्यों नहीं डेवलप होता है, इसलिए क्योंकि कई कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जितने इस डायरेक्शन में मूवमेंट बनाएंगे, ऐसे घूमेंगे और ऐसे बनाएंगे उतने ही इस डायरेक्शन में भी बनाएंगे, नेट क्या हो गया, हो सकता। लेकिन दूसरे नहीं, कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं और ऐसे बहुत कम बनाते हैं, तो उसमें हमको नेट डायपोल मूवमेंट मिलेगी। तो उनके अलाइनमेंट के कारण सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग हो सकता है, इसलिए सब के वैल्यूज अलग अलग आती है। समझ में आया, ये मैग्नेटिक के कारण। अब सोलेनोइड के अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में सोलेनोइड के अंदर के स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलते हैं उसके हमने तीन कैटेगराइजेशन किए, उन तीनों को पहचाने। एक एच, एच क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड डेवलप बाई दी सॉलिड। म्यू नॉट एच क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी नॉट, वो कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड विच अपीयर्स इन द फील्ड। एच किसने, तार ने बनाया, बाहर निकलते ही ये क्या हो जाता है, म्यू नॉट इनटू एच, उसको हम क्या बोलेंगे, बी नॉट। और अगर हमने इसमें मटेरियल डाल दिया तो उसके अंदर एक एडिशन और हो गया, अब उस मटेरियल फील्ड को क्या बोलेंगे, बी। तो सबसे पहले कौन बना था, एच, एच से क्या बना, बी नॉट, बी नॉट से क्या बना, राइट, समझ आ गया। और बीनो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आप तीनों का अंतर समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद हमने रिलेशन किसका एस्टैब्लिश किया, कि जब हम एच लगाते हैं तो अंदर बी पैदा होता, मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटाइजेशन होता है। ये जो मैग्नेटाइजेशन है, बिना मैग्नेटाइजेशन का मटेरियल लाए और हमने एच लगाया, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा हो गया, एच के कारण इसके अंदर बी पैदा हो गया। कितना पैदा होगा उसका रेशियो क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का रेशियो आपने उसमें देखा है, एम अपॉन एच, व्हाट इज एम, मैग्नेटाइजेशन डेवलप, एंड व्हाट इज एच, फोर्स अप्लाई। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे सॉलिनॉइड के अंदर मटेरियल को रख के, उसके अंदर एक मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाएगा, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। इसी मटेरियल में ये ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करके उसी की डायरेक्शन में बनती है, और किसी के उसी डायरेक्शन में बनती है। उल्टी डायरेक्शन में बनेगी तो हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, सीधी डायरेक्शन में बनेगी तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है। और वही मटेरियल का हमने नॉमिनेशन कर दिया, डायमैग्नेटिक एंड। So this will be our starting point of the next lecture, that what are diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic material and what is magnetism. Okay, so we close it today.